بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته साइन किचन 313 में आप सबका इस्तकबाल है। दोस्तों आज की हमारी रेसिपी है ब्रेड पकौड़ा। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं ब्रेड पकौड़ा बनाने में हमें क्या क्या चीज़ें लगेगी। तेल, 4 बॉईल किए हुए आलू, 2 कटोरी बेसन, ब्रेड के स्लाइसेस, पकौड़े के लिए मिर्च, कड़ी पत्ता, अजवाइन, गरम मसाला पाउडर, नमक, हल्दी, राई, 1 नींबू का रस, लहसुन और हरी मिर्ची की कचड़ी पेस्ट, हरा धनिया कटा हुआ, चीज़, 2 बारीक कटे हुए प्याज, बेकिंग सोडा और चिली फ्लेक्स। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए पहले मसाला बना लेते हैं। ये 2 चम्मच तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम राई ऐड करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। लहसुन और मिर्ची की अच्छी पेस्ट ऐड करेंगे। इसे ज्यादा फ्राई नहीं करना है हमें। ये जो 2 बारीक चॉप किए हुए प्याज है वो भी हम ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और इसे कुछ प्याज को थोड़ा सा नरम कर लेंगे। प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसे थोड़ा सा पकाना है। आइए अब हम हल्दी पाउडर ऐड करते हैं अंदर। कुछ आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर लिया है। स्वाद के मुताबिक हम नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये जो 4 बॉईल आलू लिए हैं उसे हमने ग्रेट करके लिया है। अगर आप चाहो तो इसे मैश करके भी ले सकते हो, लेकिन मैंने इसे ग्रेट करके ले लिया है। अब ये ऐड करेंगे हम अंदर। अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। कुछ 1 चम्मच के करीब है। ये कुछ हरे धनिया के पत्ते, 1 नींबू का रस और अब गैस की फ्लेम बंद करें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू का मसाला बनके रेडी है। अब हम उसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तब गोल बना लेते हैं। ये मैं 2 कटोरी भर के बेसन ली हूँ, उसमें हम ये आधी कटोरी कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। सॉरी मैं आपको पहले कॉर्नफ्लोर बताना भूल गई। थोड़ा ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, अजवाइन। अजवाइन को हम अच्छे से हाथ से क्रश कर, उसका अच्छे से फ्लेवर आता है। स्वाद के मुताबिक नमक ऐड करेंगे। धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है हमें, ज्यादा एक साथ पानी नहीं ऐड करना है, जिससे हमारा घोल अच्छे एकदम इसे जाड़ा रखना है, बहुत पतला नहीं करना है। आइए अब हम इसमें 2 चम्मच भर के तेल ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छे से जाड़ा घोल बना लेंगे। बिस्मिल्लाह।
एक साथ हमें पानी ऐड नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा का घोल बन के रेडी है। इसके अंदर हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, इसे मोटा मोटा ही रखना है। और आइए अब हम अपना हमारा ब्रेड पकौड़ा फ्राई करना शुरू करते हैं। ये मैं ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए ये एक चटनी रेडी कर ली है, हरा धनिया, पुदीना, मिर्ची और लहसुन। अगर पसंद नहीं करते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। देखिए हम ऐसे ब्रेड की एक स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर हम अच्छे से मसाला लगा देंगे। पूरा अच्छे चारों तरफ अच्छे से हमें लगाना है। बारिश के मौसम में ब्रेड पकौड़ा खाने का बहुत ही मजा आता है। माशाल्लाह अभी 2-3 दिन से बारिश भी बहुत अच्छे से हो रही है। देखिए ये अच्छे से लग के तैयार है। ज़्यादा कॉर्नर पे हमें नहीं लगाना है वरना हमारा मसाला फ्राई करते वक्त बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरी स्लाइसेस लेंगे जिसके ऊपर हम लोग ये ग्रीन वाली चटनी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। हम लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं इसलिए मैंने अच्छे से हरी मिर्ची ज़्यादा डाल के अच्छे से चटनी बनाई है। इस पर हम अच्छे से चीज़ स्प्रेड कर देंगे ब्रेड की स्लाइसेस पे। अब हम लोग इसके ऊपर ये ऐसे रख के अच्छे से बीच में से ऐसे दबा के कट कर देंगे। देखिए आइए, हमने तेल गरम करने रख दिया है और हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा इस तरह से बेसन का घोल ऐड करके देखिए हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम ब्रेड पकौड़ा फ्राई कर लेते हैं। ऐसे एक तरफ से अच्छे से पहले हम डीप करेंगे, दूसरी तरफ से डीप करेंगे और ये ऐसे कॉर्नर पे हम हमारा घोल लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अच्छे से पहले इसे एक तरफ से फ्राई होने देना है, उसके बाद दूसरी तरफ पलटना है। आइए अब हम इसे पलट देते हैं। ब्रेड पकौड़ा फ्राई हो चुका है। माशाल्लाह देखिए आइए अब हम इसी तरह से बाकी के सब ब्रेड पकौड़े फ्राई कर लेंगे। आइए हमारा ब्रेड पकौड़ा बनके रेडी है। आइए आप भी हमारे साथ खाने के लिए आ जाइए। माशाल्लाह देखिए कितना बेहतरीन बनके तैयार हुआ है। देखिए अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखना। और मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।